मोहन कृष्णा के घर हुआ पत्थर मार, जिसमें मोहन की माताजी घायल हुई। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारक परिषद के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मोहन कृष्णा के घर पर उनके सामने रहने वाली महिला ने पत्थर मार किया, जिसके दौरान मोहन के माताजी को गंभीर चोट लगी। आइए आपको ले चलते हैं मोहन कृष्णा जी के पास, जो हमें उनके साथ घटी इस घटना की पूरी खबर विस्तार में बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मोहन कृष्णन। सर, जैसे आपने बताया कि वो आपके घर में औरत ने पत्थरबाजी की, आपके पत्थर फेंके गए, तो मतलब क्यों फेंके उसने? जो औरत जो ये सब हादसा जो जिसने मेरा घर का नुकसान किया है, ये औरत अभी बाजू में एक आदमी के साथ उसका 15 दिन पहला शादी हुआ था, मतलब हादसे का 15 दिन पहला 22 जुलाई को उनका शादी हुआ ये आदमी के साथ। और ये पर्टिकुलर आदमी जो है बाजू में जो रहता है उसके ऊपर मेरे संस्था के माध्यम से मैंने 2 गुना दाखिल करवाया। पहले जो गुना था चीटिंग और फॉर्जरी का था, जिसमें उसका औरत जो उसके पहली औरत था उन्होंने मेरे पास आके मदद का गुहार लगाया। तब मैंने जाके RTI के माध्यम से सब डॉक्यूमेंट निकलवाया, पोस्ट ऑफिस का 34 लाख का पैसा उसने निकलवाया औरत का साइन करके। तो फॉर्जरी का गुना दाखिल हुआ, चीटिंग का गुना दाखिल हुआ 2011 में। उसके अंदर वो फिर हाईकोर्ट में जाके वो एंटीसिविटी बेल के आड़ में हाईकोर्ट में जाके मीडिएशन में जाके वो मैटर को हाईकोर्ट लेवल पे उन लोग ने मैटर को एक्विटल करा के ले लिया मैटर में। उसके बाद उसे ये जो एक दूसरी औरत उसके ज़िंदगी में आया, ये जो औरत है गोपीनाथ ठाकुर जी, जो सामना का 45 साल सामना में था, इंडियन एक्सप्रेस में काम कर चुका है, मतलब उनकी जो दूसरी शादी हुई, दूसरी जो लिविंग रिलेशनशिप में था जी, वो लवीना जुवेकर करके एक लड़की के साथ में उसका रिश्ता हुआ, 1.5-2 साल तक वो रिश्ता चला, उसके अंदर उसके साथ ब्लैकमेलिंग और चीटिंग उनके साथ भी किया। तो उन्होंने दिसंबर 2017 में गुना दाखिल किया चारको पुलिस स्टेशन में रेप का। अब ये रेप का केस दर्ज हो गया दिसंबर 2017 को, और जनवरी 2018 में वो लड़की का मेडिकल भी हुआ, और उनका पिताजी पत्रकार रहते हुए उनका आमदार लोग से कांटेक्ट था करके उन लोग ने LAQ भी लगाया, असेंबली में मैटर रेस किया, 5-1 आमदार का जांच बिठाया, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर आ गया इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही थी। उसमें पुलिस वाला कोई एक पुलिस वाले का रिलेटिव के साथ में ये रिश्ता उसने वापस जोड़ा, और ये तीसरी जो औरत जो उसकी ज़िंदगी में आई, ये तीसरी औरत को उसने शादी करके घर पे लेके आया 22 जुलाई को। 21 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक मेरा माँ जो है हॉस्पिटल में एडमिट था, ICU में, उनको हार्ट अटैक हुआ था 21 जुलाई को। 6 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके बाद उसको बेड रेस्ट बोलते हुए डिस्चार्ज किया। उनको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने को डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला है, क्योंकि उसका 3 ब्लॉकेज 2008 से ऑलरेडी 3 ब्लॉकेज है उनको, ये 4th ब्लॉकेज उनका शरीर में ब्लॉकेज और बढ़ गया, इसके वजह से ये डॉक्टर ने सलाह दिया था। इस बीच में ये बेड रेस्ट पे है मेरे घर पे, और बेड रेस्ट पे रहते हुए ये जो हादसा 7 तारीख को हुआ, मेरे घर के नीचे एक सब्जी वाला आके सब्जी बेच रहा था, तो मेरे ठीक बालकनी के नीचे वो सब्जी बेचते समय वो लड़की जाके उधर सब्जी खरीदने को गया, और मेरा ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है करके मेरा घर में रेंज का प्रॉब्लम है वोडाफोन का, तो मेरी जो धर्मपत्नी है उन्होंने बालकनी से अपना मोबाइल बाहर निकाल के उसको कुछ डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था। उतने में वो औरत पीछे मुड़ के आई, पहले तो गाली गलौज देने लगा, गंदी गंदी गाली दिया कि तू बाहर निकल, तुझे मैं नंगा करूँगा, नंगा करके तो तेरा मैं बराबर तेरे को सबक सिखाऊंगा, तुझे मैं आज जान से मार दूंगा, तुझे जिंदा जला देगा, इस तरीके का चिल्लम चिल्ली करके वो मेरा मम्मी ने आवाज़ सुनने के वजह से मम्मी अपनी बेडरूम से बालकनी की तरफ भाग के आया, और जब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाया तब तक वो पत्थर फेंकने चालू किया। कम से कम 7 से 8 पत्थर उन्होंने फेंके बड़े बड़े, उसमें मेरे पूरे घर के 3 कांच टूट गया, मेरा हॉल रूम के अंदर का टाइल टूट गया, इतना उसने डिस्ट्रक्शन किया। और जो चिल्लम चिल्ली कर रही थी उसको कोई कंट्रोल कर नहीं पा रहा था, उसका बेटा उसका पति बाहर आके उसको खींच रहा था, लेकिन वो उनके कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था। फिर वो बिल्डिंग के अंदर घुसी, मेरे घर के अंदर घुसने को देखा, तो दरवाज़ा बंद किया तो दरवाजे पे लात मारने लगा, और मेरी औरत को धमकी पे धमकी देते जा रहा था। उस बीच में मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस का एक क्राइम PI से मैंने फ़ोन पे बात करनी, उन्होंने तुरंत बीट मार्शल को मेरे घर पे भेजा। 5 मिनट के अंदर पुलिस आई, मेरे पास आया, मेरा घर का मुआयना किया, मेरा घर का सब वो फ़ोटो वगैरह निकाला जो डिस्ट्रक्शन किया, कांच टूटा हुआ सब फ़ोटो निकालने के बाद,
वो पुलिस वापस चली गई उसके घर में। उधर घर में जाने के बाद उसने बोला आप अंदर आइए, हमको आपसे बात करना है, ऐसा बोल के उसको घर के अंदर ले लिया और मुझे बोला पुलिस स्टेशन चले जाओ। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर एक PSI इनामदार साहब है, उनको मैं मिला। उन्होंने मेरे घर पे बोला मैं रिक्शा में आता हूँ, रिक्शा में खुद मेरे घर पे आके उसने सब फोटोज वीडियोस निकाला, उन्हें वो पत्थर सब लकड़ी से उठा के थैली में डाला, ये बोल के कि मैं सब पत्थर अभी जमा करूँगा और ये फोरेंसिक में भेजूँगा। इस तरीके का उसने ये सब किया और यहाँ से फिर गया हम लोग। एक घंटे के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, कम से कम 4-1 बजे 4:30-5 बजे मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने चालू किया। उस बीच में 3-4 घंटे के बाद वो औरत को बुलाया और उसके अंदर क्या चीज़ हुआ मुझे नहीं मालूम। वो औरत को तरफ एक पुलिस ऑफिसर जो वहाँ का जेवियर रेगो करके, वो उसको पूरा सपोर्ट कर रहा था वो औरत को। उन्होंने उसको बोला कि आप इतने पत्थर फेंके, आपको ये मोहन कृष्णन ने कुछ तो किया होगा, आपको कुछ डांटा होगा, आपको चिल्लाया होगा, आप ऐसा रिएक्ट क्यों किया। उसके मुंह में दे रहे थे सब पॉइंट्स, तो बोला इशारा किया, तो बोला हाँ इशारा किया, तो बोला क्या कर रहा था, सीटी मार रहा था, तो बोला हाँ सीटी मार रहा था। तो मुझ पे ये आरोप लगाया कि मैं उसको देख के सीटी मार रहा था। 22 तारीख से 7 तारीख 15 दिन हो गए शादी होके, आधा 7 दिन तो मेरा मम्मी ICU में एडमिट था। तो इन लोग ने जो आरोप लगाया एक बेबुनियाद है, कोई भी एविडेंस नहीं, तो भी पुलिस ने मेरा क्रॉस केस ले लिया मेरे ऊपर। और ये मेरा, मैं जो ऑफिसर मेरे घर पे आया था, मैंने बोला मेरे मम्मी को इंजरी है, मेरा वाइफ को कांच घुसा है पूरा बॉडी में, तो बोलता है नहीं इन लोग का इधर ही रहने दो, इनका अपन बाद में देखेंगे, आप पहला आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो, इन्वेस्टिगेशन के टाइम में इनका हम लोग पॉइंट्स लेंगे। अभी मैटर हो गया, अभी 2 महीना हो गया, 7 अक्टूबर को 2 महीना हो जाएगा। 2 महीने में पुलिस मेरा माँ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, टोटल उनके साथ में इंसाफ हुआ नहीं है। तो जो जब पत्थरबाजी हुई थी, जब उस महिला ने पत्थर फेंके, तो उसमें आपकी माँ को भी चोट लगी थी? मेरी माँ को पहला चोट तो मम्मी को आया, पहला पत्थर में मम्मी को चोट लग गया, राइट आई के आईलिड के ऊपर उनको पत्थर लगा। उसका सूजन होते होते, क्योंकि मेरा मम्मी को शुगर है, मम्मी को ब्लड डायबिटीज़ है हाई, मम्मी को ब्लड प्रेशर है, मम्मी को ब्लॉकेजेस हैं, तो सूजन जो था उस दिन थोड़ा सा सूज के आया, फिर 2-3 दिन के बाद बहुत ज़्यादा दिखने लगा। तो उसको देखते भी पुलिस, उसको देखने के बाद ही पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं लिया। उसके बाद मेरा डॉक्टर जो है संजीवनी हॉस्पिटल का, जहाँ पर मम्मी ICU में एडमिट थी, वो ICU का डॉक्टर आके 3 बार आके देख के गया। उन्होंने चेक किया कि ये शुगर ऊपर नीचे होता है, मम्मी का शुगर रात को 300 तो सुबह 69, इस तरीके का मम्मी का मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया पत्थर लगने से, और प्लस बीमारी से जस्ट जूझते जूझते बच गई है। उसका ये कंडीशन में उसका शुगर हाई लो होने की वजह से ये जख्म बढ़ते गए, कम से कम 28 तारीख तक तो ये पूरा चेहरा एक बाजू काला हो गया था मम्मी का। तो जैसा कि आपने बताया कि पत्थरबाजी में मम्मी को भी चोट लगी थी, तो उनको देखने के बाद भी कोई पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया? पुलिस वाला मुझे घर से जब मुझे बुलाया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का हिसाब से, उन लोग ने बोला ये कानूनी प्रक्रिया में पहला तो आपने पुलिस को फ़ोन किया करके, आप पहला आइए पुलिस स्टेशन में, माजी का तबीयत ठीक नहीं है, माजी को आराम करने दो, और अब इनका जो भी है इनका अपन बाद में देखेंगे, पहला आप पुलिस स्टेशन में आइए, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे। तो पुलिस वालों ने वैसे मम्मी से कुछ बात करने की कोशिश की? नहीं, उन लोग का मेरे घर में सब पत्थर और कांच सब गिरा हुआ था, मम्मी बोल रहा था देखो कैसा पत्थर फेंका है, और कंटिन्यूसली 7-8 पत्थर घर में, तो 4 पत्थर बड़े बड़े पत्थर मेरे घर के अंदर ही थे। तो ये सब देखा, फिर बालकनी के नीचे पत्थर था, वो सब उठाने में, कांच का टुकड़ा निकालने में, ये सब में लगा हुआ था पुलिस।